तो अभी आप देख सकते हो ये है सेटिंग, हम आ गए, पूरा फ़ोन वगैरह ऑन हो चुका है ना। आप देख सकते हो सीरियल नंबर वगैरह, अब ये हो चुका है 512 GB, और इसका पूरा वाटर प्रूफिंग वगैरह हर चीज़ किया गया है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहोगे। और आज मेरे पास एक पार्सल आया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये दिल्ली से आया हुआ है, ऋतिक कुमार ने भेजा है इंद्रपुरी से। उसके अंदर पार्सल के अंदर एक आईफोन 15 निकला है, तो इन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, तो उस हिसाब से इन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और ये डिवाइस भेजा है। तो ये जो डिवाइस है इसलिए इन्होंने हमारे पास भेजा है, अभी ये न्यू ही है, देखिए सेटअप खाली करके भेजा हुआ है। इसमें क्या बात है, तो ये 128 GB है और इनको 128 GB नहीं 512 GB करना है, तो हम 512 GB करने का ट्राई करेंगे और सारा इसका जो प्रोसीजर है आपको दिखाएंगे। और एक बात थी कि हमसे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप है ना स्टोरेज बढ़ाते हो तो स्पीड बताया करो कि स्पीड कैसी है, तो हम लोग इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। ओके, आप बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट दोनों स्पीड इसकी चेक करेंगे कि स्पीड कितनी है इसकी। तो ये टेस्ट कर रहा है अभी, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि अपडेट करने के बाद है ना, मतलब थर्ड पार्टी लगाएंगे तो हार्ड डिस्क तो वो स्पीड नहीं मिलती। तो देख लीजिए यहाँ पे रीड राइट और रैंडम एक्सेस का ये स्पीड है, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले रहे हैं। ओके, और इसके बाद हम लोग जब अपडेट कर लेंगे तो इसको मैच करेंगे कि 512 GB के बाद स्पीड बढ़ गया है या घट गया है। ओके, तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे पास क्या होता है ना कि हर चीज़ के ना स्पेशलिस्ट बंदे हैं। जैसे अभी हमारे ये ब्रदर हैं, इनका नाम है मुजम्मिल, और ये ओपनिंग और फिटिंग में एकदम मास्टर ब्लास्टर आदमी है। तो वो एकदम हर स्क्रू वगैरह जो भी है ना, वो एकदम पोजीशन पे रख रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो सारे स्क्रू हैं ऐसे कहीं एक ही जगह नहीं रख दे रहे हैं, वो पूरा उसको है ना ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। मतलब उससे क्या पता चलता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे लग रहा है। एक्चुअली में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो स्क्रू भी होता है ना उसकी भी एक पोजीशन होती है, कहाँ पर वो लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। तो हमने इस बोर्ड का जो ओल्ड हार्ड डिस्क था उसको हमने CNC कर दिया, तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे जिसमें हमने हार्ड डिस्क CNC करी है, इसीलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अब ये 512 GB की हार्ड डिस्क है और हम इसको लगा रहे हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि आईफोन की हार्ड डिस्क चेंज करने का उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो आपको एक बात बताएं, तो ये जितनी हार्ड डिस्क हैं ये सारी आईफोन की ही हैं, कोई सैमसंग वैमसंग की नहीं है। मतलब ये जो हार्ड डिस्क आईफोन में लगती है ना वही हार्ड डिस्क है। तो अभी हमने हार्ड डिस्क लगा दी और फ़ोन को फ्लैश भी करना पड़ता है, बिकॉज आप जब भी हार्ड डिस्क चेंज करोगे तो फ़ोन आपका DFE मोड में ही जाएगा और आपको फिर फ्लैश करना पड़ेगा iTunes से या 3U Tool से। ओके, और ये हमारे ऋतिक भाई हैं, इन्होंने दिल्ली से भेजा, बहुत अच्छा लगा मुझे, इन्होंने ट्रस्ट किया और हमसे खाली एक ही बार बात की और सीधा पार्सल भेज दिया, और हमने इनका काम भी एकदम ऐसे ही किया। मतलब इनका पार्सल मिला रात में ही, हमने बना दिया, हमें शाम को मिला था 5-6 बजे और हमने 8-9 बजे रेडी करके और इनको फिर से भेज दिया। तो अभी आप देख सकते हो ये है सेटिंग, हम आ गए, पूरा फ़ोन वगैरह ऑन हो चुका है ना। आप देख सकते हो सीरियल नंबर वगैरह, अब ये हो चुका है 512 GB, और इसका पूरा वाटर प्रूफिंग वगैरह हर चीज़ किया गया है, मशीन में दबा के इसको पंच किया गया है। ओके, और अभी आप इसका स्पीड देख लो, अभी हम स्पीड चेक करेंगे, क्योंकि जस्ट हार्ड डिस्क लगाई है ना, तो ये स्पीड चेक हो रही है इसकी। किसी को भी ये डाउट है कि स्पीड कम हो जाती है या ऐसा वैसा कुछ भी है, तो आप इधर ही देख लो। पर यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, आप लोग वीडियो देखते हो क्यों नहीं करते हो? आपके लिए तो फ्री है ना, वो थोड़ी पैसे लग रहे हैं, वीडियो बनाने में हमें बहुत टाइम लगता है ना। तो आप देख सकते हो कि अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा बिफोर और आफ्टर दोनों का, जो पहले वाला स्क्रीनशॉट लिया था वो आ गया रहेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।